हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हुसैनी सर आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल लर्न ओ मेनिया पर। आज हम आईटीआई के बच्चों के लिए जो उनका सब्जेक्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सब्जेक्ट का सेम फोर्थ का 2017 का पेपर रिवाइज करेंगे। ये पेपर सारे के सारे जो मैकेनिकल ग्रुप के स्टूडेंट है जो अभी सेकेंड ईयर में है उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस ये पेपर 2017 का जो सेम फोर्थ का पेपर है, ये ऐसा पेपर है जो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी स्टडी करें उनके लिए भी ये पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जो लोगों ने मेरी चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपको और एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा कि प्लीज आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से जैसे ही मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिलेगा और आप मेरी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसके अलावा और एक रिक्वेस्ट होगी मेरी, प्लीज जब आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो वीडियोस को पूरा देखा कीजिए और मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक देना मत भूलिएगा। आपके लाइक देने से यूट्यूब मेरी चैनल को प्रमोट करता है, यूट्यूब में मेरी चैनल की रैंकिंग बढ़ती है। प्लीज मेरे वीडियोस को आप लाइक करते जाएं। आपकी जो भी कमेंट्स हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आप अपनी कमेंट्स अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं, मैं जरूर आपकी कमेंट्स एंड क्वेरीज पर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की इनमें से करेक्ट वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपके सामने है। इसमें से आपको पाई की करेक्ट वैल्यू ढूंढनी थी एंड द करेक्ट वैल्यू इज 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 या पाई की दूसरी वैल्यू 3.14। अगर 22 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो 3.14 आंसर मिलेगा, तो 3.14 भी हो सकता था। अब यहां पर ये ऑप्शंस में 22/7 जो दिया हुआ है तो यही आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है पहले वाले एमसीक्यू के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर डायामीटर ऑफ अ पाइप इज 100 सेंटीमीटर एंड देन द आउटर सरकमफेरेंस विल बी डैश। अब ये यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है डायामीटर, बट ऑप्शन के हिसाब से ये डायामीटर नहीं, ये रेडियस होना चाहिए था, तब जाकर ये जो ऑप्शन है उसमें से हम करेक्ट आंसर ढूंढ पाएंगे। तो प्लीज ये जो डायामीटर है उसको डायामीटर कंसिडर न करते हुए आप रेडियस कंसिडर करें। सो आउटर रेडियस जो बाहर का रेडियस है पाइप का वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है बाहर का सरकमफेरेंस। सो रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम सरकमफेरेंस फाइंड करने के लिए सरकमफेरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, तो 2 × πr की जगह हमने लगाया है 22/7 और r जो वैल्यू दी थी 100। हम ये पहले तीनों ऊपर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 22 = 44, 44 × 100 = 4400, और उसको हम रफ वर्क में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सरकमफेरेंस के लिए मिलेगा 628.57 सेंटीमीटर। अब ये 628.57 सेंटीमीटर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में 628.57 देखिए सेंटीमीटर्स, ये यहां पर आंसर आया है 628.32 जो नियरली अबाउट 57 के आसपास है। ठीक है, अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है ये भी गलत है, खाली सेंटीमीटर होना चाहिए था। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 628.32 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 628.32 है बट यहाँ मिलीमीटर्स दिया हुआ है,
सो हम ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं मिलीमीटर्स. द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 628.32 सेंटीमीटर्स. ये 22/7 की जगह पर अगर मैं 3.14 लेता तो आंसर में थोड़ा सा और कम होता, थोड़ा सा फर्क और पड़ जाता. बट राउंड अबाउट डेसिमल पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है आंसर में, इट डजेंट मैटर. सो ये जो आंसर है 628.32 सेंटीमीटर है इज एक्सेप्टेबल, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो आंसर होगा ये सम के लिए ऑप्शन डी. चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द प्रेशर इज गिवन बाय डैश. प्रेशर का फॉर्मूला पूछा हुआ है और ये फॉर्मूलाज, अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं प्रेशर के लिए. पहला है फोर्स अपॉन एरिया, ऑप्शन बी है एरिया अपॉन फोर्स, ऑप्शन सी है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऑप्शन डी है स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस. अब आपको मालूम होगा प्रेशर का डेफिनेशन है कि एक यूनिट एरिया पर, एक यूनिट एरिया पर, यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हो, या 1 मीटर ऐसे और 1 मीटर ऐसे ले सकते हो, या 1 किलोमीटर ऐसे या 1 किलोमीटर ऐसे ले सकते हो. सो एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर और 1 फीट बाय 1 फीट और मे बी 1 मीटर बाय 1 मीटर. सो इतना एरिया लेना है, उतने एरिए पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज प्रेशर. सो प्रेशर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. ये डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला बना हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो ये है प्रेशर का फॉर्मूला. अब ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है प्रेशर के लिए, फोर्स अपॉन एरिया. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 2.5 टन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम एज डैश. 2.5 टन्स दिया हुआ है, उसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट. किलोग्राम में कन्वर्जन चाहिए 2.5 टन्स का. अब यहां पर एक बात मैं आपसे डिस्कस कर लूं, यूके की यूनिट्स में, यूके सिस्टम में, ठीक है, एक टन जो है वो 1016 किलोग्राम के बराबर होता है, 1016 किलोग्राम के हिसाब से. एंड यूएस सिस्टम में एक टन जो है वो 907 किलोग्राम के बराबर है, ठीक है. तो आप याद रखिएगा यूके की सिस्टम में वन टन जो है वो 1016 किलोग्राम के बराबर है, एंड यूएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में वन टन जो है वो 907 किलोग्राम के बराबर है. इसके अलावा एक टन मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक सिस्टम में एक टन जो है वो 1000 किलोग्राम लिया जाता है. किलोग्राम आपको पता है ऐसा यूनिट है मास मेजर करने की. तो एक टन जो रहता है मैट्रिक सिस्टम में, याद रखिएगा एसआई सिस्टम में, वो 1000 किलोग्राम के बराबर है. आजकल तो दुनिया भर में एसआई सिस्टम ही ज्यादातर चल रही है. सो ये आपको याद रखना है, वन टन इन एसआई यूनिट इट इज इक्वल टू 1000 केजी. सो यहां पर जो 2.5 टन दिया हुआ था और हमें उसको पहचानना है किलोग्राम में, मतलब मैट्रिक सिस्टम, मतलब मैट्रिक सिस्टम टन से हमें एसआई यूनिट केजी में कन्वर्ट करना है. देखिए वन टन जो है वो 1000 किलो के बराबर, तो 2.5 टन कितने किलो के बराबर होगा, ये क्वेश्चन है. सो वन टन इक्वल्स टू 1000 केजी मैंने यहां लिखा हुआ है. 1 टन की जगह पर मुझे 2.5 टन चाहिए, तो मैंने यहां पर 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, 1 को 2.5 से. तो ये 1000 किलो को भी आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लें. सो 1000 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक डेसिमल निकाल देंगे हम पहले और एक जीरो कट कर देंगे. तो अब यहां बचा 100 और यहां बचा हो गया है 25. 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है वो 2500 किलोग्राम हो जाएगा, मतलब 2.5 टन जो है
वो 2500 किलोग्राम के बराबर है इन एसआई सिस्टम। सो 2500 केजी आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ए बी सी डी ऑप्शन में 2500 केजी ऑप्शन डी लिखा हुआ है। सो हमारा आंसर यहां पर होगा ऑप्शन डी। सो अगेन आई रिपीट, वन मेट्रिक टन जो है वो एसआई यूनिट में 1000 किलो के बराबर होता है। वन यूके जो है, यूके सिस्टम में वन टन जो है वो 1016 केजी के बराबर होता है। एंड यूएस का वन टन जो है वो 907 केजी के बराबर होता है। प्लीज रिमेंबर दिस, टन जो है वो अलग अलग टाइप के आते हैं, यूएस में अलग, यूके में अलग एंड मेट्रिक सिस्टम में अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत सिंपल है, 10 टीटा इज इक्वल टू डैश। अब ये टी जो कैपिटल लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए था, स्मॉल टी होना चाहिए। 10 टीटा इज इक्वल टू डैश, 10 टीटा के लिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिकआउट करना है। 10 टीटा आपको पता है, 10 टीटा का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं पूछूं, इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ए बी सी राइट एंगल, यहाँ पर बी पर है और ये मैंने टीटा लिया है। सो अगर मैं आपको 10 टीटा पूछता हूँ तो इट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो 10 टीटा जो है क्या है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब यहाँ पर आप देखिए ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ए बी सी डी ऑप्शन में कहाँ दिख रही है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 350 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो हमें इसको वर्कआउट करके इसकी वैल्यू, यहाँ जो ऑप्शन है उसमें से वैल्यू पिकआउट करनी है। ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। सो हम वर्कआउट करेंगे 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 350 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो दिया था उसको। 7 वन ज़ा 7 कट हो जाएगा और 7 फाइव ज़ा 35 और ये ज़ीरो जो है वो एज इट इज। सो अब बचा है 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 100, 100 मल्टीप्लाइड बाई 22 हो जाएगा 2200। ओरली हो सकता है ये कैलकुलेशन। सो यहाँ पर आंसर है 2200, आप ऑप्शन में देख सकते हैं 2200 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है ये एमसीक्यू के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 mm इज इक्वल टू डैश। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड है 8 mm, हमें उस ट्राइंगल का, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। अंडर रूट 3 एज इट इज, 4 हमने एज इट इज लिखा है, साइड कितनी दी हुई थी 8 mm, तो साइड स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 दो बार लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 वन ज़ा एंड 4 टू ज़ा 8 कट हो जाएगा, ठीक है, 4 टू ज़ा 8 कट हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16 और 16 अंडर रूट 3, 16 अंडर रूट 3 मिलीमीटर्स स्क्वायर, ये अपना एरिया है। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल जो दिया हुआ था उसका एरिया 16 अंडर रूट 3 मिलीमीटर स्क्वायर मिला है। अब अगर हम यहाँ देखें तो सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो डेसिमल पॉइंट में दिए हुए हैं, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आंसर जो है अभी भी बाकी है इसको वर्कआउट करना। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 16 एज इट इज, ये अंडर रूट 3 की वैल्यू हमने लगाई है 1.73, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 लगाई है हमने। अब यह अगर मल्टीप्लाई करें, 16 को अगर आप 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं
आंसर होगा 27.68 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछा हुआ था इसीलिए स्क्वायर मिलीमीटर में आंसर आएगा। ये है आंसर वर्कआउट करने के बाद। अब ये आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके आसपास या ये आंसर जो है वो ऑप्शन ए में है 27.68। ये दूसरी वाली डेसिमल प्लेस की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा अगर होगी तो आगे हम एक ऐड कर सकते हैं, तो आंसर बन जाएगा 27.7 जो यहाँ दिया हुआ है 27.7 मिलीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन ए। सो चलिए आइए बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द एरिया ऑफ हाफ सर्कल विथ रेडियस आर इज गिवन बाई डैश। ठीक है, एरिया ऑफ हाफ सर्कल पूछा हुआ है। अगर हाफ सर्कल है, सपोजिंग अगर पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल का एरिया जो है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हाफ सर्कल, खाली हाफ सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर जो पूरा सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये हो जाएगा हाफ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। वही चीज मैंने यहाँ वर्कआउट की है, एरिया ऑफ हाफ सर्कल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर आप देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ऑप्शन ए बी सी डी में, ऑप्शन डी जो है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सो आंसर होगा इस एमसीक्यू के लिए ऑप्शन डी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी रिटन एज डैश। और अगर मैं ये ऑप्शन देखूं ए बी सी डी, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस डिग्रीज फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट 100 डिग्री सेल्सियस को हमें डिग्रीज फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो मालूम होना चाहिए। मैंने वर्कआउट करने के लिए कन्वर्जन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच। फॉर्मूला होता है सी अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा बाय हार्ट, ठीक है, कभी मत भूलना ये फॉर्मूला को, बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला सी अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 द होल अपॉन 9। अब यहाँ हमें सेल्सियस में रीडिंग दी हुई है 100 डिग्री, तो मैंने सी की जगह 100 लगाया है, ये अपॉन 5 एज इट इज, यहाँ पर एफ माइनस 32 द होल अपॉन 9 एज इट इज। अब ये 105 रिड्यूस होता है, हम रिड्यूस कर लेंगे 5 ones are 5 20s are 100, इजंट इट, तो यहाँ बचा 20 और ये एफ माइनस 32 अपॉन 9 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ओरली ये 9 को यहाँ ले जाकर आप 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सो 9 20 सा कितना होगा 180। ओरली आप कर दें 9 यहाँ जाकर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 तो 180 आएगा 180। और फिर ये ओरली आप माइनस 32 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए, सो माइनस 32 जब यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस 32 हो जाएगा। सो आफ्टर ऑल यहाँ पर एफ जो बचा है, ये एफ मैंने पहले लिखा है इक्वल्स टू की साइन, इक्वल्स टू की साइन, यहाँ पर 180 के साथ ये माइनस 32 ऐड होगा, सो 180 प्लस 32 आंसर बन जाएगा 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ये होता है फ़ारेनहाइट में रीडिंग, 100 डिग्री सेल्सियस जो था वो हमने कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में, तो मिला है 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पर 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ऑप्शन बी में है,
ऑप्शन बी मतलब राइट आंसर है 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो अगेन आई रिमाइंड ये प्लीज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फॉर्मूला आप याद रखिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है मास अपॉन वॉल्यूम रिफर्स टू डैश, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या कहा जाता है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का डेफिनेशन ही है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। सो इनडायरेक्टली उन्होंने हमें यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम रिफर्स टू डेंसिटी। आंसर होगा डेंसिटी जो ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला आपने मेंसुरेशन के चैप्टर में, अपने साइंस के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, लंबाई मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए एसआई यूनिट होती है मीटर्स। एसआई यूनिट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मीटर्स होती है। सो आंसर है ऑप्शन सी मीटर्स। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जरा संभल के, जरा समझ के। अ होमोजीनियस मटीरियल इज डिफाइंड एज बीन डैश, होमोजीनियस मटीरियल किसे कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मटीरियल एक ऐसा मटीरियल होता है जो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द बल्क, थ्रू आउट द कंपोजिशन, जो एक ही जैसा हो। पहले तो समझ लीजिए होमोजीनियस जो है एक तरह का मिक्सचर है, दो या तीन चीजों को मिला करके बनाया हुआ मिक्सचर है, बट जो सेम हो थ्रू आउट। फॉर एग्जाम्पल चाय ले लीजिए आप, हम लोग जो टी पीते हैं, चाय पीते हैं, चाय को मैं होमोजीनियस कह सकता हूँ। चाय का मिक्सचर है कि नहीं, चाय में चाय पत्ती डाली जाती है, शक्कर डाली जाती है, पानी डाला जाता है, मिल्क डाला जाता है, तो चाय जो है एक तरह का मिक्सचर है, और वो चाय जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस होता है थ्रू आउट। चाय अगर मैं ग्लास में भर के पीऊँ तो ऊपर जो चाय का टेस्ट होगा वही नीचे की चाय का टेस्ट होगा, ऊपर जो चाय का कलर होगा वही नीचे चाय का कलर होगा। सो चाय जो है वो सेम होती है थ्रू आउट द बल्क, तो चाय को भी हम होमोजीनियस मटेरियल, होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। सो क्वेश्चन, अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, होमोजीनियस मटेरियल का डेफिनेशन क्या है। होमोजीनियस मटेरियल का डेफिनेशन ये है कि ऐसा मटेरियल, ऐसा मिक्सचर जो सेम हो थ्रू आउट द क्वांटिटी, थ्रू आउट द बल्क, जो सेम हो, सेम दिखे, सेम टेस्ट करे, सेम व्यवहार करे, इस टाइप के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस मटेरियल कहते हैं। शरबत, से फॉर एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल, शरबत सेम होता है थ्रू आउट टेस्ट में, अच्छा तरह से मिक्स किया हुआ शरबत, सो शरबत भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। सो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर के लिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ एलिमेंट, एलिमेंट एक अलग चीज है, एलिमेंट मिक्सचर होता ही नहीं है। अच्छा, बी ऑप्शन है एनी मटेरियल विथ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कोई भी मटेरियल जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, एक जैसा ही हो, बी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, इसी को कहते हैं होमोजीनियस मटेरियल। चलिए और एक देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन है सिनोनिमस विथ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन का ही दूसरा नाम है, नहीं ये गलत है। एंड डी वाला ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ दिस, इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर एक से ज्यादा आंसर है होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। सो आंसर जो है वो है एनी मटेरियल विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, ये है उस चीज का आंसर, एनी मटेरियल विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन, आंसर बी सही आंसर है इस एमसीक्यू के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश, एक हॉर्स पावर इनमें से कितने के बराबर होता है। अच्छा, अब हॉर्स पावर जो है वो मैकेनिकल यूनिट है पावर की एसआई सिस्टम में,
और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये वॉट्स में है, ये भी पावर की यूनिट है एसआई सिस्टम में, बट वॉट्स जो है वो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में पावर एक्सप्रेस करने के लिए वॉट्स यूज़ किया जाता है, और मैकेनिकल पावर एक्सप्रेस करने के लिए हम हॉर्स पावर यूज़ करते हैं। तो यही हमें पहचानना है कि वन हॉर्स पावर कितने वॉट्स के बराबर होता है। वन हॉर्स पावर जो है एसआई सिस्टम में वो 746 वॉट्स के बराबर होता है, ठीक है, 1 HP इक्वल्स टू 746 वॉट्स। अच्छा, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 746 वॉट्स। अच्छा, मैं और एक चीज़ यहाँ पर रिमाइंड आपसे कराना चाहूँगा, आपको रिमाइंड, 1 HP अगर मेट्रिक सिस्टम में है तो होता है 735.49 वॉट्स, ये भी आप याद रखिएगा। अगर 1 HP मैट्रिक सिस्टम में है तो उसका आंसर होगा 735.49 वॉट्स। ये हमने आगे भी किसी पेपर में किया हुआ था, ये MCQ आया था आगे भी किसी पेपर में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश डिग्री। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन एंगल्स होते हैं। क्वेश्चन है ये तीनों एंगल्स को अगर जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो कितना डिग्रीज बनेगा। तीनों एंगल एक ट्राइंगल के मिल करके 180 डिग्रीज बनते हैं, ठीक है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज, सो इसका आंसर जो है वो 180 डिग्रीज है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQ है, 1 गैलन इज इक्वल टू डैश लीटर्स। एक गैलन को लीटर्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। 1 गैलन को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम होना चाहिए जो 1 गैलन होता है वो 4.54 लीटर्स के बराबर होता है। एक गैलन में 4.54 लीटर्स ऑफ वाटर या ऑयल आ सकता है, कोई भी लिक्विड। 1 गैलन कितने के बराबर होता है, 4.54 लीटर्स। अब यहाँ पर ऑप्शन हम देखें 3.785, नहीं, दूसरा ऑप्शन है 3 लीटर्स, नहीं, ऑप्शन सी है 4 लीटर्स, हाँ ये आसपास है 4.5 के, इजंट इट। डी ऑप्शन है 5.5 लीटर्स, ये भी नहीं हो सकता, तो हम ये ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं, सी 4 लीटर्स। सो भले एक्चुअली 4.5 लीटर्स के आसपास होता है, बट ऑप्शन में यहाँ 4 लीटर्स दिया हुआ है जो नियरली इक्वल है, नियर मोस्ट इक्वल है। सो हम ऑप्शन सी को सही आंसर मानेंगे, 15th के लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 लीटर्स। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQ है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास जो होता है, पीतल जो होता है वो किसका एलॉय है। इसके आगे भी किसी पेपर में ये आ चुका है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मेरे कोई पार्ट्स में, ठीक है। ब्रास जो है वो किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक। मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। अगर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप देखें तो वहाँ कुछ अलग ही मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, बट आई नो कि ब्रास जो है वो कॉपर एंड जिंक को अलग अलग प्रपोर्शन में, कॉपर एंड जिंक को मिक्स करके बनाया जाता है ब्रास नाम का एलॉय, पीतल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ की तरफ। हमारा नेक्स्ट MCQ है, 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कैन बी रिटन एज डैश डिग्री सेल्सियस। देखिए कुछ MCQ पहले मैंने वो फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच में कन्वर्जन फॉर्मूला जो है वो लिखा था, आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर 110 डिग्रीज फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। सो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है फिर से, F-32/9 इक्वल्स टू C/5, वही फॉर्मूला है। F की जगह हम 110 लगा देंगे, F की वैल्यू दी भी थी 110 -32/9 एज इट इज़,
equals to सामने c upon 5 also as it is. अब 110 minus 32 कितना हो जाएगा 78, 78 upon 9 जो बचा है equals to यहाँ पर c upon 5 as it is. अब 78 upon 9 जो बचा था मुझे calculate करना था c, c की value पूछी हुई है. C को कैलकुलेट करने के लिए हम ये 5 को यहाँ ले जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 78 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पर C के साथ 5 डिवाइड हुआ था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सामने की तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा C इक्वल्स टू, मैं ये साइड जो राइट हैंड साइड है मैंने उसको पहले लिखा है, C इज इक्वल टू 78 multiplied by 5 upon 9, 78 multiplied by 5 upon 9 मिल जाएगा. अब ये 78 multiplied by 5 अगर मैं करूँ तो होता है 390 upon 9 as it is. और अगर हम 390 को rough work में divide करें, अगर हम 390 जो है उसको अगर मैं 9 से divide करता हूँ तो आंसर फाइनली डिवाइड होके मिलेगा 43.33 डिग्री सेल्सियस. सो सी कितना मिला 43.33 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख सकते हैं 43.33 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी आंसर है. सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा इस एमसीक्यू के लिए. चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, अ 50 सेंटीमीटर रेडियस एंड 250 सेंटीमीटर हाइट सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर क्यूब. टू फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है, पेपर में मिसप्रिंट होगी. टू फॉर्म होना चाहिए अ स्क्वायर क्यूब. What will be the side of the cube so formed? देखिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस रेडियस दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट दी हुई थी 250 सेंटीमीटर. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेंडर को हमें मेल्ट करके इसको क्यूब बनाना है, ठीक है, एक क्यूब स्क्वायर क्यूब बनाना है, मतलब जिसकी सब साइड्स इक्वल होगी स्क्वायर क्यूब, ठीक है. फाइंड करना है कि इस स्क्वायर क्यूब की साइड की लंबाई कितनी होगी, हमें फाइंड करना है साइड ऑफ द क्यूब. ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ दिए हुए हैं. अब इस तरह के प्रॉब्लम को अगर एक चीज मेल्ट करके उसको शेप चेंज किया जाए, दूसरी चीज बनाई जाए, इसके लिए आप लोग याद रखना कि जो चीज मेल्ट की हुई है उसका वॉल्यूम और जो चीज हमें बनानी है उसका वॉल्यूम सेम होगा. एक को मेल्ट करके दूसरी चीज बनानी है तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. सो यहाँ पर हमने वो सिलेंडर को मेल्ट करके क्यूब बनाया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा बिकॉज एक को मेल्ट करके दूसरा बनाया गया है. अब नेक्स्ट लाइन में हम ये दोनों चीजों के फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए मैंने लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू एज इट इज, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए मैंने लिखा हुआ है एल क्यूब. एल मतलब साइड की लंबाई, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला जो है साइड क्यूब, सो यहां पर मैंने लिखा है एल क्यूब. एल मुझे फाइंड करना है. नेक्स्ट स्टेप पाई की जगह मैंने 3.14 लगाया है. रेडियस स्क्वायर मतलब रेडियस 50 था तो 50 इंटू 50 दो बार, और सिलेंडर की जो हाइट थी वो 250 सेंटीमीटर हाइट, एच हमने 250 लगाई है, सामने एल क्यूब एज इट इज. अब एल क्यूब हमें फाइंड करना है. मैंने ये एल क्यूब ये तरफ पूरा लेटरली टर्न कर दिया है तो सामने बचा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 250 यहाँ होना चाहिए. अब ये लिखने के टाइम पर व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है, ओरली ये दोनों जीरोस नलिफाई करके कट करके ये डेसिमल टू प्लेसेस मैंने बाहर बढ़ा दी, ठीक है. तो अब यहाँ पर 50 50 का जो मल्टीपल्स था 0 0
ये जीरो को कट करके हम डेसिमल बाहर शिफ्ट कर सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड। सो बचा यहाँ पर 314, ये दोनों अब 5 × 5 हो चुके हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, और ये 250 एज इट इज। अगर ये तीनों अब मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो एल क्यूब जो है वो मिलेगा 1,62,500। अब ये यहाँ पर हमें एल फाइन करना है तो ये क्यूब हटाना पड़ेगा। ये क्यूब हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। अगर एक तरफ से क्यूब हटाना है तो इक्वेशन के दोनों तरफ आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1,62,500, और अगर आप क्यूब रूट कैलकुलेट करें 1,62,500 का, सो 125.199 सेंटीमीटर्स ये होगी लंबाई। क्यूब रूट ऑफ 1,62,500 अगर आप निकालते हो क्यूब रूट, तो आपको क्यूब रूट मिलेगा 125.199 सेंटीमीटर्स। ये है साइड की लंबाई, क्यूब की साइड की लंबाई जो फॉर्म हुआ था। अब ये आंसर 125 के देखिए आप यहाँ पर 125 सेंटीमीटर यहीं पर है। ये 0.19 हम नलीफाई कर सकते हैं, फगेट, ठीक है। मैंने कहा था कभी कभी आपको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है 125 सेंटीमीटर, ये होगी क्यूब की साइड की लंबाई 125 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यू के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है इफ द वैल्यू ऑफ 10 थीटा इज 1, 10 थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा विल बी डैश। cos थीटा की वैल्यू आपको ढूंढनी है। सिंस देखिए वर्कआउट मैंने किया है, छोटा सा रफ वर्क करना है। सिंस 10 थीटा इज 1, ठीक है, ये दिया हुआ था, बट मुझे मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल के हिसाब से 1045 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 10 थीटा 1 तो उन लोग ने दिया है, बट मुझे मालूम है 1045 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है। सो ये जो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये 45 डिग्रीज होना चाहिए था, ठीक है। ये मुझे थीटा मिल गया ये दो स्टेटमेंट से, 10 थीटा 1 दिया हुआ है, बट किसकी वैल्यू, 10 की कौन सी वैल्यू 1 होती है 45 डिग्रीज की, 1045 डिग्रीज 1 होता है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 45 डिग्रीज होना चाहिए। इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना था, किसकी वैल्यू, cos थीटा। तो मैंने यहाँ वर्कआउट किया है cos थीटा, थीटा हमें मिला है 45 डिग्रीज, isn't it 45, तो cos 45 आप मन ही मन cos 45 की वैल्यू रिकॉल करें, ये थीटा की जगह 45 डिग्रीज लगा दें आप। सो cos 45 डिग्रीज वैल्यू होती है 1/√2, isn't it। सो cos थीटा के लिए इस सम में cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, बिकॉज थीटा जो है वो हमें मिला है 45 डिग्रीज। सो cos थीटा की वैल्यू 1 जाएगी 1/√2। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं 1/√2 जो है वो ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यू का। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है 1 square meter = -square centimeter। सपोजिंग एक एरिया दिया हुआ है, ठीक है, 1 square meter, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब 1 square meter को आप यहाँ पर देखिए वर्कआउट, 1 square meter, मुझे वर्कआउट एक्सप्लेन करने से पहले, डिस्कस करने से पहले मुझे बताइए 1 meter में सेंटीमीटर्स कितने होते हैं, 100, isn't it। 1 meter जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये सब चीजें थी आपके यूनिट्स वाले चैप्टर में फर्स्ट ईयर में। सो 1 meter 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 square meter
वन स्क्वायर मीटर को आपको ये जो वैल्यू है वन वो एज इट इज आपको लगानी है। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर मीटर दिया हुआ है तो 100 × 100 दो बार हम लिखेंगे तो कन्वर्ट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर खाली वन मीटर लिखा होता, वन मीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, खाली मीटर और सेंटीमीटर, तो सिर्फ मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, बट यहाँ पर एरिया है स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर को अगर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो 100 × 100 आपको दो टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिमेंबर दिस, अगर यहाँ पर 5 स्क्वायर मीटर होता तो आंसर क्या आता, 5 × 100 × 100 आंसर होता 50,000। यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर है तो 1 को हमने 100 × 100 किया है तो आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। एंड अगर हम ये मल्टीप्लाई करते हैं ओरली, 1 × 1 × 1 इज 1 एंड देन 4 जीरोस तो 1 और उसके बाद 4 जीरोस बन गया 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर सेंटीमीटर्स के लिए आंसर आप सिलेक्ट करें, 10,000 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है इस एमसीक्यू का। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है द फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रिफर्स टू डैश। ये जो फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन, शायद ये आपको स्लैश की साइन दिख रही होगी, मतलब अपॉन अपॉन टाइम रिफर्स टू डैश। ये जो फॉर्मूला है वो किस चीज या कौन सी चीज फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने वर्कआउट किया है, मुझे मालूम है पावर जो है, पावर का फॉर्मूला, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यही है पावर का डेफिनेशन भी। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, ये होता है पावर का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के हिसाब से पावर का फॉर्मूला बनता है वर्क अपॉन टाइम। अब आपको मालूम है मोशन के फॉर्मूला वर्क के लिए, वर्क जो है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो वर्क है उसका फॉर्मूला अगेन मैंने लिखाया यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन ये जो टाइम था यहाँ पर मैंने एज इट इज टाइम लगाया है। सो सबसे पहली चीज पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला है। वर्क के लिए हमने फिर से लगाया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अपॉन ये जो टाइम लिखा हुआ था वो मैंने एज इट इज लिखाया है, ये है पावर का फॉर्मूला, ठीक है, ये भी पावर का फॉर्मूला था और इसको हमने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट किया, ये भी पावर का फॉर्मूला है। सो यहाँ पर क्वेश्चन था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये एक्चुअली किसके बराबर है, किसके लिए है, किसका फॉर्मूला है, पावर का, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में हमें मिलेगा पावर फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट द होल अपॉन टाइम, जो है ये पावर का फॉर्मूला हो जाता है, बन जाता है। सो ऑप्शन ए जो है इस वाले के लिए वो करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ऑब्जेक्ट कैन स्टोर एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ इट्स पोजिशन, दिस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजिशन इज रिफर्ड टू एज, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन की वजह से, अपने पोजिशन की वजह से किस पोजिशन में है, कहाँ पर है, अपने पोजीशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी रहती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के पास पोजीशन की वजह से या शेप की वजह से, पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी होती है उसके अंदर, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ही वो है कि एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स शेप या ड्यू टू इट्स पोजिशन, ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स पोजिशन या ड्यू टू इट्स कॉन्फिग्रेशन, ठीक है। शेप या मीन्स कॉन्फिग्रेशन एक ही बात है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट में
या शेप की वजह से या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी अंदर आ जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। सी यहाँ पर मैंने डायग्राम में ये एक सपोजिंग ये एक ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ये बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, तो ये पत्थर के पास पोजीशन की वजह से ये पत्थर के अंदर एक एनर्जी बिल्टअप होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही ये पत्थर नीचे आना शुरू होगा बिकॉज इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे ये पत्थर नीचे आता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाती है, ठीक है। चलो वॉट एवर द केस में भी, बट पोजिशन की वजह से या शेप की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी बिल्टअप होती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर आंसर पोटेंशियल एनर्जी है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत सिंपल, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज डैश। वॉल्यूम कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़, एक मटेरियल, एक सब्सटेंस कितनी जगह घेर रहा है उसको कहा जाता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम मेजर करने की यूनिट इनमें से हैं सी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आपके सामने हैं। वॉल्यूम जो होगा वो मेजर किया जाएगा यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक मीटर में, ठीक है। क्यूबिक याद रखना, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर या क्यूबिक डेसीमीटर, डिपेंड्स। सो यहाँ पर देखिए स्क्वायर मीटर पहला ऑप्शन, स्क्वायर में वॉल्यूम स्क्वायर में मेजर हो ही नहीं सकता, स्क्वायर में तो एरिया मेजर होता है। सो ये ऑप्शन तो कंप्लीटली रॉन्ग है, ऑप्शन बी क्यूबिक मीटर। यस, ये जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, वॉल्यूम नापने की यूनिट क्यूबिक मीटर होती है। चलिए आगे और भी देख लेते हैं, ऑप्शन सी है कोसेक, एक्चुअली ये क्यूसेक नहीं होना चाहिए, कोसेक होना चाहिए। कोसेक तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये यूनिट थोड़ी है कोसेक। और लास्ट वाला है डी मीटर, मीटर भी लंबाई नापने की यूनिट है, वॉल्यूम नापने की यूनिट नहीं है, तो ये मीटर भी नहीं हो सकता। द ओनली आंसर इज ऑप्शन बी क्यूबिक मीटर, ये है वॉल्यूम नापने की यूनिट। सो द करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट, लेंथ मास एंड टाइम आर नोन एज डैश, ठीक है। लेंथ लंबाई, मास, मास मतलब किसी बॉडी के अंदर का मैटर, टोटल मैटर, और टाइम, ठीक है, समय, ये तीनों चीज़ों को इनमें से क्या कहा जाता है। ये तीनों चीज़ों को फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये तीनों, लेंथ से बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ डेराइव होती है, मास से बहुत सारी दूसरी क्वांटिटीज़ डेराइव होती है, टाइम से दूसरी बहुत सारी क्वांटिटीज डेराइव होती है। इसीलिए इन तीनों को, लेंथ, मास एंड टाइम को, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंपॉर्टेंट बेसिक क्वांटिटीज कहा जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बाकी दूसरे जितने भी ऑप्शन हैं वो रॉन्ग है। सो यहाँ पर आंसर होगा लेंथ, मास एंड टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कहे जाते हैं, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट एमसीक्यू की तरफ। लास्ट एमसीक्यू 25th वन है, सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज डैश। सिंपल सी चीज, एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस हिसाब से मैंने सोचा है, सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड ही नहीं है, तो मैंने सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर किया है,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का भाई फॉर्मूला क्या होता है, मेन फॉर्मूला 2πRh, ये है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πRh, आर मतलब रेडियस, बेस का रेडियस, और एच मतलब जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, वो होती है एच। ये फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस के लिए सिलेंडर में 2πRh, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2πRh है ही नहीं, बल्कि R है ही नहीं, R की जगह मुझे जगह जगह D दिख रहा, डायामीटर। सो अगर डायामीटर दिया हुआ है तो इमेजिन करो ये 2 और ये रेडियस को मल्टीप्लाई कर लो ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई R बन के हो जाएगा डायामीटर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई R, उसकी जगह हमने ये D लिख दिया है, ये पाई जो है वो एज इट इज, ये एच जो है वो एज इट इज, तो सरकमफ्रेंस के लिए दूसरा फॉर्मूला बन जाता है पाई डी एच, डी मतलब डायामीटर की लंबाई, तो पाई डी एच, ये भी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है सिलेंडर के लिए। तो आप 2πRh यूज कर सकते हो या आप पाई डी एच यूज कर सकते हो सिलेंडर का कर्व सरफेस फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर आप हम देखते हैं पाई डी एच जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए में मौजूद है, ऑप्शन ए जो है पाई डी एच, ये होगा सरफेस एरिया फाइंड करने का, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का सिलेंडर में। बाकी दूसरे ऑप्शन बी सी डी इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है। सो ओनली आंसर इज पाई डी एच, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा 25th MCQ के लिए। सो इसी से कंप्लीट होता है हमारा ये पार्ट, ये पेपर। सो ये पेपर जो था वो सेम 4th का पेपर था, जो बच्चे मैकेनिकल ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, जो 2 साल के कोर्सेज हैं उन बच्चों के लिए, सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पेपर था सेम 4th का, ठीक है, ऑफ द ईयर 2017। ये जो पेपर है भले ही सेकेंड ईयर का पेपर है, बट मैं चाहता हूँ इसे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी देखें। ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो बेस्ड है फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी टॉपिक हैं जो फर्स्ट ईयर में भी हैं और सेकेंड ईयर में भी हैं, तो ये जो पेपर है वो पेपर सेम 4th का, ये दोनों साल के बच्चों के लिए, इसे सेम 1 सेम 2 के भी बच्चे, आई मीन फर्स्ट ईयर के बच्चे भी ज़रा स्टडी करें, और सेकेंड ईयर के बच्चे भी जो सेम 3 एंड सेम 4 की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग भी स्टडी कर सकते हैं, करना चाहिए। आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूँ। आज का वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मेरी चैनल के ऊपर ITI बच्चों के लिए जो RAC में पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का 2 साल का जो कोर्स कर रहे हैं, प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, जो मैकेनिकल ग्रुप को, जो इंजीनियरिंग ग्रुप को, ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं, उनके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मैं मेरी चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। पहले थियोरी पार्ट कवर अप करता हूँ एंड देन MCQs करता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो ये ट्रेड के बच्चे हैं और जो ये सब्जेक्ट के बच्चे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और RAC ट्रेड के बच्चे, वो प्लीज़ मेरी चैनल पर चेकआउट करें। पूरे के पूरे चैप्टर्स मैंने डिटेल में समझाए हुए हैं, वीडियोस को देखें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस देखने के बाद प्लीज़ लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं हुसैनी सर जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा मैं नेक्स्ट पेपर, तब तक के लिए गुड बाय माई स्टूडेंट्स एंड थैंक यू।